हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हर एक ऑनलाइन साइट पे फेस्टिवल सेल्स चल रहे हैं, तो इसी दौरान मेरी नज़र पड़ी इस कीबोर्ड पे। और इसे मैंने क्यों ऑर्डर किया? बिकॉज मेरे पुराने कीबोर्ड की हालत आप देख रहे हैं, आपके लिए कंटेंट बनाते बनाते इसकी ये हालत हो गई है। तो और ये वायर्ड वाला भी था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, की वगैरह काम नहीं कर रहा था, कंट्रोल की ऑलरेडी गुम हो गया। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू बाय न्यू वन, और ये वायरलेस कीबोर्ड रैपो लाइन। शिट यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अमेज़न पे सर्च करते हुए मेरी नज़र पड़ी इस वायरलेस कीबोर्ड पे। ऑब्वियसली नज़र ऐसे रेंडम नहीं पड़ी, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया एंड देन आई फाइंड कि लॉजिटेक के बाद अगर कोई बेस्ट कंपनी है तो वो रैपो है, जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत तगड़ी कीबोर्ड बनाती है। तो मैंने ये कीबोर्ड डिसाइड किया लेने का। ये माउस और कीबोर्ड का सेट आता है, मॉडल नंबर रैपो 9350M। इसको मैंने डिसाइड किया, ये मुझे तकरीबन 2940 रुपीस का आ रहा था। ऑब्वियसली कार्ड डिस्काउंट 10% मिल गया SBI क्रेडिट कार्ड से, तो 26 के आसपास ये मेरे को पड़ा है। अभी हम इसको करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो अमेज़ॉन वाले भैया अनबॉक्सिंग आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये ऐसे ही आया था मेरे पास, कुछ भी इसमें कोई कवर ववर नहीं था, ये बस एज इट इज़ जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही मेरे पास आया था। अब बस दो तीन चीज़ें मुझे डर लग रहा है, पहला तो ये ख़राब ना हो, टूट ना गया हो, और दूसरा ये यूज्ड ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको अनबॉक्स करते हैं आपके सामने। लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ, एंड ऑब्वियसली अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वापसी का ऑप्शन तो है ही। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमने सील खोला, उस पर ये रहा माउस, ये कीबोर्ड। पैकिंग शैकिंग तो भैया अच्छी है, ऑब्वियसली रैपो के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है इंटरनेट। तो चलो खोलते हैं इस कीबोर्ड को। ओके, तो ये रहा कीबोर्ड। वेट तो है, मतलब उस वाले से वेट ज़्यादा है मुझसे। और खुल जा सिम। ये कुछ कागजात, और ये रहा हमारा कीबोर्ड। टन टन, अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन वाइज तो मुझे। और ये पूरा एल्युमिनियम का फिनिशिंग लग रहा है, ऊपर से प्लास्टिक है बट ये वाला जो केस है ये एल्युमिनियम का है, साथ में ये रबर स्टैंड है तो स्क्रैचेस वगैरह के चांसेस कम है। और ना थोड़ा सा ये ऐसे, मतलब हल्का सा बैंड है इधर, गड्ढा टाइप का, की पे उंगली भी काफ़ी, मतलब बीच बीच में की का वो बना हुआ है। तो अभी तो ये आ गया है, लेट्स सी। अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा, टेस्ट करने के बाद आफ्टर वीक और 10 डेज में इसके बारे में जो भी मेरे एक्सपीरियंस होंगे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये रहा इसका माउस, वायरलेस कीबोर्ड भी है, वायरलेस माउस भी है, एंड माउस के साथ यहाँ पे आपके सेल भी दिया गया, एक सेल है, एक केबल है, और ये रहा माउस। इसमें भी 6 बटन, ये DPI सेटर और ये रोलर। तो ये था फिलहाल, जो भी आउटकम आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए लेटेस्ट गैजेट्स, जो भी मेरे कंटेंट क्रिएशन को नीड है, मैं उसको लेके आपके सामने उसके रिव्यूज़ रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।